अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में सत्तू पीने के फ़वाद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ग़िज़ा। निज़ाम हाजमा में बेहतरी। खाली पेट सत्तू का शरबत पीना मैदे के मुख्तलिफ मसाइल पर काबू पाने में मदद देता है। इसकी तासीर ठंडी होती है जो गर्म मौसम की शिद्दत को कम करती है, जबकि सत्तू फाइबर से भरपूर होता है जो कब्ज़ को दूर करने में मदद देता है। जिस्मानी तवानाई में इजाफ़ा। सत्तू में आयरन मौजूद होता है जो जिस्म में खून के सुर्ख खलियात की नशोनुमा में मदद देता है, जिससे जिस्म को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और दिन भर जिस्मानी तवानाई बरकरार रखना आसान हो जाता है। ज़ायबितीज़ को कंट्रोल करने के लिए मुफीद। सत्तू ज़ायबितीज़ के मरीज़ों के लिए काफ़ी मुफीद होता है। इसका इस्तेमाल मामूल बनाना, चीनी या गुड़ के बग़ैर, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के शिकार अफराद के लिए भी इसका शरबत बेहद मुफीद है। सत्तू पीने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी जिल्द सेहतमंद रहती है, आपके जिस्म को हाइड्रेट रखता है। गर्मियों में ग़िज़ा की रूटीन डिस्टर्ब और पानी की कमी होने के बायस जल्द रूखी, बेजान और दिलकशी से महरूम लगती है। दिन में सत्तू का एक गिलास जिल्द को हाइड्रेट रखने के साथ साथ जिल्द के खलियात की टूट फूट को रोकता है। इसमें मौजूद गिजाई अज्जा आपकी जिल्द को सेहतमंद और तरोताज़ा बनाते हैं। सत्तू कई इकसाम का होता है। जौ का सत्तू और चने का सत्तू बेहतरीन करार दिया गया है और माहिरीन के मुताबिक ये दोनों सत्तू आपस में मिलाकर पीने से आपकी सेहत अच्छी रहती है, जिस्म हाइड्रेट रहता है और गर्मी के लिए बेहद मुफीद है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।